आपके घर में कौन सी खुशखबरी दस्तक देने वाली है? नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आज आपके लिए कि आपके घर पर कौन सी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। आपको एक नंबर चुन लेना है, एक तस्वीर चुन लेना है, जो भी आपको ज़्यादा आकर्षित करे, और फिर अपनी रीडिंग देख लेना है। लेकिन उसके भी पहले आपको अपनी आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लीजिए और फिर मन को शांत कीजिए। फिर एक पाइल चूज़ कर लीजिए। आई होप आपने चुन लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखें। जिसको भी आप मानते हैं उसके बारे में अपना आभार जरूर व्यक्त करें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने चुना है पाइल नंबर 1, तो बता देते हैं टैरो कार्ड आज आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। बहुत ही खास वीडियो है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसके बिल्कुल भी ना कीजिए, आपके काम की चीज़ें छूट सकती हैं। तो टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आपके घर में बहुत सारी जो परेशानियां चल रही थी, आप देख रहे थे लंबे समय से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अपने कैरियर को लेकर आपको कई बार ऐसा लग रहा था कि जैसे एक आपकी जो प्रगति होनी चाहिए, जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो रुक गई है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। नौकरी जैसी आप चाहते थे, मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है। इस तरह से कुछ समस्याएं आप बहुत दिनों से फेस कर रहे थे। घर के लोगों के बीच में भी कलह कलेश का माहौल रहता है, सुख शांति का माहौल नहीं रहता है। तो ये सारी समस्याएँ टैरो कार्ड बता रहे हैं। जीवन में कभी भी जो समस्याएं आप महसूस कर रहे थे, वो बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत संघर्ष किया है, अपनी मेहनत से आप अब आगे बढ़ रहे हैं। आप मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरते, बहुत मेहनती हैं, बहुत परिश्रमी हैं। आज आपके परिश्रम का फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब बहुत जल्द ईश्वर की ऐसी कृपा हो रही है आपके घर के ऊपर। आपको अब घर में, घर के जो सदस्य हैं उनके बीच में शांति और सुखपूर्ण एक माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा सुख शांति वाला माहौल आपके घर में बनेगा, आपसी सामंजस्य लोगों के बीच में बैठेगा और संबंधों में सुधार होगा। आपके कैरियर को लेकर हम आपको बता दें कि आप जिस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, या तो अच्छी नौकरी का, या सरकारी नौकरी का, या अपनी नौकरी में प्रमोशन का, या ट्रांसफ़र का, अगर किसी भी तरह की अब बदलाव के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, तो अब बहुत जल्द आपको नए साल के शुरुआत में ही ये खुशखबरी मिलने वाली है। बिल्कुल भी चिंता ना करें, टेंशन ना लें, बहुत जल्दी अच्छा समय आने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड नंबर के ऑप्शन की। अगर आपने चुना है नंबर 2, दूसरे नंबर की तस्वीर को, और आप जानना चाहते हैं आपके घर पर कौन सी खुशखबरी दस्तक देने वाली है, दोस्तों बहुत अच्छा समय आ रहा है आपका। आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत कुछ लाने वाला है, बहुत सारी खुशखबरी लाने वाला है। किसी का विवाह संबंध तय हो सकता है। अगर कोई विवाह को लेकर परेशान था, आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही थी, वो कोई समस्या चल रही थी, तो आपको खुशखबरी मिलने वाली है। धन दौलत को लेकर जो भी समस्याएं आपको देखने को मिली हैं, या तो फिर आपको कोई बड़ा धन लाभ होते हुए दिख रहा है, तो पैसों की अगर दिक्कत थी तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन कोई बड़ा धन लाभ ऐसे हो सकता है, आपको कोई ऐसे अवसर मिलेंगे, हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो बहुत अच्छे रेट में आपको बिक जाए, या तो फिर आप कोई लॉटरी जैसी लगते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अगर शेयर बाज़ार का काम करते हैं, तो आपको उसमें बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलते हुए दिख रही है किसी भी क्षेत्र में। अगर आप जॉब पर हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, जो भी आप करते हैं, उसमें थोड़े थोड़े से बदलाव के साथ आप देखेंगे कि बहुत
तेज़ी से आप प्रगति करने लगे हैं, बहुत तेज़ हो जाएगी आपकी प्रगति, आपको जो धन लाभ है बहुत तेज़ी से होने लगेगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं आपको दूर होते हुए दिखाई देंगी। अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी को समस्या थी आपके घर में तो अब वो दूर होते हुए दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं से ऐसी कोई खुशखबरी मिलते हुए दिख रही है। हो सकता है कि कोई बाहर से आपको फ़ोन आए किसी का, और जिस खुशखबरी का आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे अपने किसी करीबी की वजह से आपको वो खुशखबरी मिलने वाली है। अपने बच्चों के लिए, अगर आप अपने बच्चों की शादी के लिए, उनके कैरियर के लिए कुछ भी ऐसी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको ऐसी कोई खुशखबरी मिलने वाली है जिसको सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छा समय आ रहा है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, भविष्य बहुत अच्छा है। हम देख रहे हैं, टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है, आपकी जीवन की सारी समस्याएं अब दूर होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी से कड़वे शब्द नहीं कहना है। अगर आप किसी से वाद विवाद की स्थिति में फंस भी जाते हैं तो उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगें और आगे बढ़ जाएं। अगर किसी से भी वाद विवाद या झगड़ा करते हैं तो आपको भारी पड़ सकता है, आपको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपनी खुशियों का ख्याल रखिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए। कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट कीजिए, जय माता दी लिखें, जय श्री कृष्णा लिखें, राधे राधे लिखें, जिसको भी आप मानते हैं उनकी जयकारे जरूर लगाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।